हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप एक नए टीवी मैकेनिक हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज इस वीडियो पर मैं बात करूंगा एलईडी टीवी के बारे में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह बैकलाइट स्ट्रिप है, जो कि अलग अलग साइज में आप देख सकते हैं। यह जो बैकलाइट स्ट्रिप है 24 इंच, 32 इंच, 40 इंच, इस प्रकार के टीवी में बैकलाइट के लिए यूज होता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा फॉल्ट आता है कि यह जो स्ट्रिप है इसका कोई भी एक एलईडी ख़राब हो जाता है या फिर दो एलईडी ख़राब हो जाता है। अगर आप पूरा स्ट्रिप चेंज नहीं करना चाहते हैं, अगर आप केवल उसी एलईडी को चेंज करके दूसरा एलईडी लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो पर एक बहुत ही सिंपल सा सरल तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से सिंगल या फिर दो एलईडी, तीन एलईडी अगर दोस्तों आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप सबसे पहले यह जो कैप लगा हुआ है, जो कि रिफ्लेक्टर के लिए लगा हुआ है, तो इस कैप को दोस्तों आपको सबसे पहले निकालना होता है। अगर आप इसे ऐसे ही निकालेंगे तो इसके अंदर का जो पॉइंट है तो दोस्तों वह टूट जाता है। तो आपको दोस्तों इसे किस प्रकार से निकालना है, तो आपको इस कैप को बाहर करने के लिए सबसे सरल तरीका है, आप दोस्तों थोड़ा सा पेट्रोल को अपने पास में रखें, और जैसे कि यह कैप है तो आपको दोस्तों यहाँ कैप में इस पेट्रोल को थोड़ा सा लगा देना है। इसके बाद आपका ये जो कैप है बहुत ही इजीली 2 मिनट के बाद दोस्तों बाहर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों इसे आपको करीब 2 मिनट के बाद इसे निकाल कर और इसका जो ख़राब एलईडी है तो आपको दोस्तों निकाल कर मैं चेंज करना बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस पर जो नया एलईडी है तो दोस्तों आप लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डालने के बाद इसका जो कैप है ये बहुत ही आसानी से 2 मिनट के बाद निकल गया। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले इस कैप को बाहर कर लेना है इजीली, आसान तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हमें इस सिंगल एलईडी को बाहर करना है, तो हम दोस्तों इस लाइटर की मदद से इसे बहुत इजीली बाहर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको लाइटर को जला लेना है और स्ट्रिप के नीचे आपको जिस एलईडी को आपको निकालना है उसके नीचे आपको इस प्रकार से लगा लेना है, और आपको दोस्तों अपने पास में इस प्रकार से चिमटी रखना है। आप दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हैं यह जो एलईडी हमारा इजीली बाहर हो चुका है, और जब दोस्तों आपको दोबारा किसी नए एलईडी को आपको निकाल कर लगाना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी स्ट्रिप से एक सही एलईडी को निकालना है, तो दोस्तों आप यहां से जो दूसरा एलईडी है निकाल सकते हैं। आप कहीं से भी स्ट्रिप से एक एलईडी निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास नया एलईडी है तो आप उसे इजीली यहाँ लगा सकते हैं। तो आप दोस्तों किस प्रकार से इसे लगाएंगे, तो आपको लाइटर की हेल्प से दोस्तों इसे हीट करना है और आप किस प्रकार से इसे निकाल देना है। इसके बाद दोस्तों आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे, इस पर दोस्तों आपका नेगेटिव और पॉजिटिव का आपका पहचान बना होता है, आपको इसे उल्टा नहीं लगाना है। अब दोस्तों आप इसे किस प्रकार से लगाएंगे, तो आपको इसे पहले किस प्रकार से हीट कर लेना है, जिससे कि दोस्तों यहाँ जो रंगा है तो आपका गर्म हो जाएगा। और आपको दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इजीली आपको इसे गर्म करने के बाद इस प्रकार से आपको दोस्तों एलईडी को दोबारा से बैठा देना है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से
एक लाइटर की मदद से इस बाइक लाइट स्ट्रिप का जो एलईडी है, अगर दोस्तों ख़राब हो जाता है, आप कोई भी सिंगल एलईडी डबल एलईडी चेंज करना चाहते हैं, उसी स्ट्रिप को दोबारा से यूज करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा एलईडी है, आप देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा बिल्कुल फिक्स हो चुका है और यह अब नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इस एलईडी को यहाँ बहुत ही आसान तरीके से दोबारा से लगा सकते हैं और इस स्ट्रिप को यूज में ला सकते हैं। आप दोस्तों दोबारा से कैप को लगाने के लिए फेविक्विक का यूज कर सकते हैं।